हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम 17 अप्रैल 2021 की क्लास फोर्थ की वर्कशीट 12 करने जा रहे हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ वो अपना नाम, यहाँ सेक्शन और यहाँ टीचर का नाम लिखें। तो आइए हम अपनी वर्कशीट करना स्टार्ट करते हैं। आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है, तो आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Good morning, lovely friends. We have a few questions for you today. Are you ready to answer them? Let us start then. Name your favorite friend. Name your favorite food. Name your favorite place. Name your favorite toy. तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं आपकी जो भी फेवरेट फ्रेंड हो यहाँ पे, और आपका जो फेवरेट फूड हो, जो भी आपको खाने में पसंद हो, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो, वो यहाँ पे लिखोगे, और फेवरेट प्लेस यहाँ पे लिखोगे, और फेवरेट टॉय यहाँ पे लिखोगे। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से आंसर लिख देती हूँ, आप अपने हिसाब से आंसर लिखना, ठीक है? ये मैंने अपने हिसाब से आंसर लिखे हैं, आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? तो आइए अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे लिखा है, वाओ, इट इज़ अमेजिंग दैट यू नो सो मैनी नेमिंग्स वर्ड्स इन द क्लाउड गिवन ब्लो सर्कल ऑल द नेमिंग वर्ड्स दैट यू कैन फाइंड। Remember, naming words are the names that we use for people, place, animals, things and even emotions. ठीक है, नेमिंग वर्ड्स हमें फाइंड आउट करने हैं। नेमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं जो हम पीपल्स लोगों के लिए यूज़ करते हैं, जो प्लेसेस जगह के लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स जानवर के लिए यूज़ करते हैं, थिंग्स जो कुछ वस्तुओं के लिए यूज़ करते हैं, इवन इमोशंस। आप इनको नाउन भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो लेट्स फाइंड आउट, हमारे इसमें नेमिंग वर्ड्स होंगे। एक मिनट, हमारे यहाँ नेमिंग वर्ड्स हैं सन, स्टार और बर्ड, फ्लावर, बॉक्स, फिश, रेन, बो, लेडी। बस आइए अब हम आगे करना स्टार्ट करते हैं। आगे लिखा है, नाउ लेट्स कंबाइन द फॉलोइंग नेमिंग वर्ड्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, राइट अ न्यू वर्ड्स एंड आल्सो ड्रॉ देयर पिक्चर्स। तो हमारा यहाँ देखो, जैसे कि रेन और बो, दोनों को मिलाकर क्या बना? रेनबो। स्टार, फिश, दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा स्टार फिश। दोनों को मिलाकर हमारा बनेगा स्टार फिश। यह सन, यह फ्लावर, दोनों को मिलाकर बनेगा सन फ्लावर। क्या बनेगा दोनों को मिलाकर? सन फ्लावर। और हमारा नेक्स्ट है, लेडी, बर्ड, दोनों को मिलाकर लेडी बर्ड, ठीक है? आइए कंपाउंड वर्ड्स पढ़ लेते हैं। कंपाउंड वर्ड्स, व्हेन टू वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर टू मेक अ न्यू वर्ड्स विद अ न्यू मीनिंग। ये हमने ऊपर देखे, दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड मिला है, बना है, जिसका अपना एक मतलब है, तो उसको हम कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। आइए वीडियो एंड करने से पहले अभिभावकों के लिए जो सुझाव है वो पढ़ लेते हैं। बच्चों को उनके आसपास उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं के नाम अंग्रेजी में बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। इससे बच्चों की इंग्लिश वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। तो ये एक्टिविटी पेरेंट्स अपने बच्चों से ज़रूर करवाएं। नाउ वी हैव फिनिश्ड आवर वर्कशीट, सो थैंक यू, सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वर्कशीट सॉल्यूशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।